आज हम लोग प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये कैलोरी इस विधि के द्वारा हम एक संबंध स्थापित करते हैं कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है जब कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इनके मध्य संबंध स्थापित होता है। कि इसको नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसे ह्यूमन रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर कहते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर सबसे पहले एडवर्टर रोजा बेनेडिक्ट ने बनाया था और ये हमें डेटा देता है जिसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है और कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होता है इसे मापा जा सकता है। इस इक्विपमेंट में एक एयर टाइट कॉपर चेंबर होता है, कक्ष होता है कॉपर चेंबर, और उसमें वायु अंदर नहीं प्रवेश कर सकती है और उसके चारों ओर लकड़ी की दीवार होती है और उनके बीच में एयर स्पेस होती है जिससे वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है। ना ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है ना वायु का आदान प्रदान हो सकता है। और ये चेंबर कक्ष इतना बड़ा होता है कि मनुष्य उसमें कुछ दिनों के लिए रह सकता है और अपना कार्य कर सकता है। अंदर मेज कुर्सी बिस्तर इत्यादि रखने की सुविधा भी होती है, खाना भी दिया जाता है और जो वो मल उत्सर्जित करता है उसे निकालने के लिए भी एक दरवाज़ा होता है। कक्ष में ऑक्सीजन प्रवेश कराई जाती है जिसमें नापी हुई मात्रा ऑक्सीजन की रहती है और जो वो वायु एयर एक्सहेल करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उपस्थित होता है जिसे कक्ष से पृथक कर लिया जाता है और उस वायु को सोडा लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराते हैं। जो सोडा लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है और सल्फ्यूरिक हम वाष्पित जल को अवशोषित कर लेता है। जितनी ऑक्सीजन उसने उपयोग में लाई है वो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर से पुनः दे दी जाती है और उसे माप सकते हैं या नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम नोन क्वांटिटी कितनी मात्रा में ऑक्सीजन उस व्यक्ति ने कंज्यूम की है कितने दिन में उसको ज्ञात कर लेते हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित की है वो सोडा लाइम के वजन में भार में जो परिवर्तन आता है उससे नाप सकते हैं। तो इससे हम गणना कर सकते हैं। जो ऊष्मा उत्पादित होती है उसको हम माप सकते हैं। कक्ष में एक कॉपर पाइप की सहायता से हम जल सर्कुलेट करते हैं और ये मात्रा जल की ज्ञात होती है। जल जब वो प्रवेश करता है कक्ष के अंदर तो उसका तापमान नापा जाता है और जब वो बाहर निकलता है तब भी उसका तापमान नापा जाता है। तो जब ज्ञात मात्रा के जल के तापमान का परिवर्तन हम नोट करते हैं और उससे फिर हम कितनी ऊष्मा उत्पादित हुई है उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए एक व्यस्त पुरुष है, 65 किलो भार है और वो 24 घंटे में उसका ऊष्मा उत्पादन नापा गया तो वो 2400 किलो कैलोरी निकला और प्रति लीटर ऑक्सीजन उसने कितनी ऊष्मा उत्पादित की वो 4.8 किलो कैलोरी निकली। ये श्वसन कैलोरीमीटर का डायग्राम है और इसमें ये बाहरी लेयर परत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, अंदर कॉपर चेंबर है। लकड़ी और कॉपर चेंबर की लेयर के मध्य परत के मध्य इंसुलेशन के लिए एयर गैप दिया गया है। ये कॉपर पाइप है जिसमें कि ज्ञात मात्रा जल की सर्कुलेट हो रही है। आरंभ में तापमान नापा जाता है और बाहर जो जल निकल रहा है उसका भी तापमान नापा जाता है और दोनों के अंतर से कितनी ऊष्मा उत्पादित हुई है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये दो ओपनिंग्स हैं जहाँ से व्यक्ति को भोजन और पीने की चीज़ें वस्तुएँ दी जाती हैं और इधर से मल निकाला जाता है। कक्ष में ऑक्सीजन प्रवेश करने के लिए खिड़की है जहाँ से ऑक्सीजन आती है। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल छोड़ता है वो दूसरी ओपनिंग से निकलता है, H2SO4 में पहुँचता है जो जल वाष्पित जल को अवशोषित कर लेता है, जो वेपर फॉर्म में है वाटर उसे अवशोषित कर लेता है। सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, उसके भार में परिवर्तन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे वायु फिर से गीली हो जाती है तो H2SO4 फिर से जल को सोख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर जो बची हुई एयर है वो वापस इसके अंदर कक्ष में प्रवेश कराई जाती है और ज्ञात मात्रा ऑक्सीजन की उसमें दी जाती है।
इस तरह से कितनी ऑक्सीजन एंटर कर रही है कक्ष में, इसे नापा जा सकता है और संबंध स्थापित किया जा सकता है ऊष्मा उत्पादन और ऑक्सीजन उपयोग के मध्य में।